गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फर्स्ट यूनिट वन में वर्कबुक के अंदर आज हम वर्कबुक सॉल्व करेंगे। आई टीचर क्वेश्चन नंबर वन, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर जो ए बी सी डी ऑप्शन दिया है उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चॉइस करके बॉक्स के अंदर लिखना है, लेटर लिखना है, कौन सा ए बी सी जो भी आता है वो लेटर लिखना है। वॉट इज द कलर ऑफ द चाइल्ड्स हाउस, हाउस का कलर कौन सा है। टेक्स्ट बुक में हमने देखा, पिक्चर में देखा, लड़की के पीछे घर था, वो कौन से कलर का था, रेड कलर का था। तो बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे हम, रेड कलर। क्वेश्चन नंबर वन, सी रेड। बॉक्स दिया है, इसके अंदर आपको लेटर लिखना है, कौन सा लेटर है, सी। तो करेक्ट ऑप्शन के अंदर सिक्स। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर सिक्स, द चाइल्ड इज अ ब्लैंक चाइल्ड। तो इसमें ऑप्शन है ए हैप्पी, बी क्वाइट, सी सैड एंड डी एंग्री। अ चाइल्ड, अ हैप्पी चाइल्ड, तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए हैप्पी चाइल्ड। बॉक्स के अंदर लिखना है आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज द चाइल्ड डू द होल डे, मिस बच्चा पूरा दिन क्या करता है, वो बोला है। तो क्राई एंड स्लीप, बी लाफ एंड प्ले, सी लाफ एंड क्राई, डी सिंग एंड प्ले। क्या करता है बच्चों, आपने पोएम में देखा होगा, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी लाफ एंड प्ले, हंसता और खेलता रहता है पूरा दिन। तो बी ऑप्शन नंबर बी लाफ एंड प्ले, ऑप्शन नंबर है बॉक्स के अंदर आपको लिखना है बी। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री, ट्री का कलर कौन सा होता है। आपको तो पता होगा बच्चों, ट्री का कलर कौन सा होता है, ब्राउन रेड येलो की ग्रीन, कौन सा होता है, तो ग्रीन। क्वेश्चन नंबर फोर डी ग्रीन, बॉक्स के अंदर आपको लिखना है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स वो आपको सॉल्व करने हैं बच्चों। नेक्स्ट सर्कल द ओल्ड वर्ड इन ईच सेल, ओल्ड पुराना शब्द लिखना है उसमें जो अलग अलग है। तो ये लिख गया बच्चे, जो मैं लिख रहा हूँ नंबर वन सर्कल करना, उसके ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल। वैसे सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। जैसे आगे देखा है वैसे इसमें भी करेक्ट ऑप्शन बॉक्स के अंदर लिखना है। दस का द प्लैंक साइंस इन द स्काई, स्काई आकाश में कौन प्रकाश मिस देता है,
तो कौन देता है? सन। तो उसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर वन, ए सन। तो बॉक्स के अंदर आपको कौन से लेटर लिखना, कौन सा लेटर लिखना है? ए, ए सन। नेक्स्ट पेज पेज नंबर सेवन, आई हैव फिलिंग अ ब्लैंक पेन, कौन से पेन है? रेड। बी सी रेड। बॉक्स के अंदर कौन सा लेटर लिखना है? सी। क्वेश्चन नंबर थ्री, द फिलिंग द ब्लैंक लिविंग रेड से, जो छाया धूप छाया है वो कौन देता है? तो कौन देता है? ट्री। तो उसमें भी ऑप्शन है ए ट्री। बॉक्स के अंदर आपको लिखना है, ए लेटर लिखना है। नेक्स्ट, आई लिव इन अ फिलिंग द ब्लैंक हाउस, आपका घर छोटा है या बड़ा है? तो मतलब डी फिग इक ये बी, तो बी घर आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, डी डी क्रॉस के अंदर आपको डी लेटर लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव लास्ट, द कैट इज अंडर द फिल इन द ब्लैंक, ए डॉट बी कॉट सी कॉट डी हॉट, तो क्या आएगा? कॉट। बी कॉट। चलो बच्चों ये लिख दो। नेक्स्ट पिक्चर, कलर द पिक्चर्स सर्कल द नेम ऑफ द कलर्स, जो अंदर जो पिक्चर दिखा है कौन सा है उसका नाम लिखना है और कौन सा कलर ड्रॉ करना है वो लिखा है। तो बच्चों सन दिया है, क्या बच्चों? सन दिया हुआ है। तो नीचे लिखा है रेड एंड येलो, तो सन के अंदर कौन सा कलर आएगा बच्चों? रेड आएगा या येलो? यहां पर आपको लिखना है ब्लैक करनी आपको और लिखना है पिक्चर कौन सा पिक्चर है, तो सन का पिक्चर। तो सर्कल द सर्कल द नेम ऑफ द कलर, उसमें उसके अंदर कलर बनना है तो येलो कलर। मैंने ये येलो कलर मैंने कर दिया है। तो बच्चों बाकी का आपको करना है, एक एप्पल का है, एक कौवे का है, पेज पत्ता है। नेक्स्ट पेज बाकी के एक दो तीन चार पाँच सात आपको करने हैं। पेज नंबर एट, नेक्स्ट, कलर द बॉक्स विथ द राइट कलर, आपको कलर मीन्स जो बॉक्स है इसके अंदर आपको बुनना है कौन सा कलर है, जो राइट है उसको कलर बनना है। व्हाट इज द कलर ऑफ द चाइल्ड हाउस, चाइल्ड एक बच्चे जो पिक्चर में देखा हो उसका कलर कौन सा है? कौन सा है बच्चों? रेड कलर। तो वो बॉक्स के अंदर आपको कौन से कलर बनना है? रेड। फिर व्हाट इज द कलर ऑफ द सन, सन के
सन का कलर कौन सा है? येलो, तो येलो बोलना है। व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री? तो ट्री का कलर कौन सा है वो भी आपको बोलना है, ग्रीन। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? बादल का कलर कौन सा होता है? तो ब्लू स्काई। व्हाट इज द कलर ऑफ योर हाउस? आपके घर का कलर कौन सा है वो भी वहां पर पूछना है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्कूल? स्कूल का कलर कौन सा है वो पूछना है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर? आपके बाल का कलर कौन सा है? तो ब्लैक। व्हाट इज द कलर ऑफ टीथ? मीन दांत का कलर कौन सा है वो आपको पूछना है। नेक्स्ट पेज नंबर 9। नेक्स्ट द पिक्चर्स विद द वर्ड्स। बच्चों टेक्स्ट बुक में देखा हुआ मैंने सिखाया कौन सा बंगलोज है, कौन सा इग्लू है, कौन सा ब्लेड है और कौन सा हट है। तो बच्चों मैच द पिक्चर, पिक्चर मैच करने तो ऊपर लिखा है बंगलोज, तो कौन सा बंगलोज है तो उसके सामने आपको लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट ड्रॉ योर हाउस एंड कलर इट। आप वहाँ पर कलर मतलब हाउस ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपको कलर करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 10। पास्ट फोटोग्राफर्स ऑफ द पीपल्स हु लिव इन योर हाउस राइट देयर नेम। पिक्चर पुराने पिक्चर आप माई फैमिली उसके अंदर आपको पिक्चर जो जो नाम लिखे उनके पिक्चर चिपकाने हैं और उनका नाम लिखना है। माई ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर का पिक्चर उधर चिपकाना है और ऊपर जो बॉक्स दिया है उसके अंदर नाम लिखना। वैसे माई फादर, माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर एंड मी, मी मीन्स आपका फोटो चिपकाना। नेक्स्ट पेज नंबर 11। मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स। वर्ड्स पिक्चर देखो कोई हैप्पी है, कोई मतलब फैट है, एक पंछी पिंजरे के अंदर है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। आपको पिक्चर मीन्स ड्रॉ करने हैं। अब पिक्चर मीन्स मैच द पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक बता देता हूँ और बाकी के आपको करना है। बच्चों मैच करना है कौन सा हैप्पी है और कौन सा सैड है, कौन सा दुखजनक पिक्चर है। जो बच्चों उस साइड ये साइड है तो वो हैप्पी है तो आपको लाइन ड्रॉ करना है और सैड जो है वो उसके सामने लाइन ड्रॉ करना है। बाकी के जो पिक्चर है वो आपको घर से करके लेके आना है। नेक्स्ट पेज नंबर 12। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। फिर से करेक्ट ऑप्शन जो है बॉक्स के अंदर लिखना है, कौन सा लेटर है वो लिखना है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हर्ट? आपको जब चोट लगती है तो आप क्या करते हो? तो आई हैप्पी, बी स्माइल, सी लाफ एंड डी क्राई। आप खुश होते हो, आप हंसते हो, स्माइल देते हो, आप हंसते हो और डी क्राई मीन्स रोते हो। आपको जब चोट लगती है तो आप क्या करते हो? रोते हो, क्राई, रोना। तो पिक्चर नंबर 1 डी क्राई। बॉक्स के अंदर आपको लिखना है कौन सा लेटर है, डी क्राई। पिक्चर नंबर 2। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर इन? आप जब बीमार हो जाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? बीमार हो जाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? सेड ए सेड बी थी सी हैप्पी डी हैप्पी। तो सेड मीन्स टू, दुखी हो जाते हो, बीमार हो जाते हो तो आप कैसे फील करते हो? इसका ऑप्शन नंबर ए सेड। बॉक्स के अंदर आपको ए लेटर लिखना है। पिक्चर नंबर 3।
हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट एन आइसक्रीम, जब आपको आइसक्रीम मिलती है तो आप कैसा महसूस करते हो? आपको आइसक्रीम मिलती है तो आप क्या कौन सा महसूस, हैप्पी हो जाते हो? तो ऑप्शन नंबर बी हैप्पी, बॉस के अंदर ऑप्शन नंबर बी लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर, एन एलिफेंट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स एनिमल, बिग सेड स्मॉल के हैप्पी। एक एलिफेंट है, बिग है या स्मॉल है, सेड है के हैप्पी। तो एलिफेंट छोटा होता है या बड़ा? बिग, ए बिग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी अ जॉब, क्वेश्चन नंबर फाइव, कोई आपको जॉक सुना रहा तो आप क्या रोते हो? नहीं, हंसते हो। तो ए ला। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ कैट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स एनिमल्स, कैट छोटा या बड़ा? तो स्मॉल, बी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रीड द सेंटेंस एंड मैच देम विद द पिक्चर, पिक्चर आपको मैच करना है, कौन सा गर्ल्स है कौन सा बॉय है। तो एक बॉयज का पिक्चर दूर है और एक लड़की का पिक्चर ड्रॉ किया है, दो पिक्चर ड्रॉ किए हैं, उनमें लिखा है आई एम अ गर्ल्स, कौन सी गर्ल्स है एंड आई एम अ बॉय, कौन सा बॉय है। तो आपको सेंटेंस मीन्स मैच करने, तो आप आई एम अ गर्ल्स, तो गर्ल्स लेफ्ट साइड है तो वहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है एंड बॉयज राइट साइड है तो आपको वही लाइन ड्रॉ करनी है। वैसे ही इज अ बॉय सी इज अ गर्ल्स, वैसे आपको पूरा पेज कंप्लीट करना है। और आज का लेसन पार्ट वन खत्म हो गया, जब ये पूरा लेसन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं वर्कबुक मंगाऊंगा चेक करने के लिए, तो आप लिख के पूरा कंप्लीट करके दे देना। ओके, थैंक यू बच्चों।